मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुंबई हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमले की धमकी मिलने के बाद ताड़तोड़ पुलिस ने हाजी अली दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी है। यहां कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके आतंकी हमले की जानकारी दी थी, मगर पुलिस ने जब दोबारा इस नंबर पर कॉल किया तो ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कॉल ट्रेस से पता चला है कि ये नंबर ठाणे जिले के उल्लासनगर का है। पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति ने 5 साल बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। हैरान कर देने वाली ये घटना टिटवाले इलाके से सामने आई है। इस संबंध में कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम भी गठित कर दी गई है। मुंबई के विले पार्ले में लोहे से लदे ट्रेलर से एक टैक्सी ने टक्कर मार दी। ये घटना विले पार्ले फ्लाईओवर ब्रिज पर सुबह करीब 4 बजे के आसपास में हुआ है। हादसे में टैक्सी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पंजाब पुलिस ने नवा सेवा पोर्ट मुंबई से 72.5 किलो हेरोइन बरामद की है। इस मामले में 3 बड़े नशा तस्करों को गुरदासपुर से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और एटीएस मुंबई की टीम की तरफ से साझा ऑपरेशन के दौरान जुलाई 2022 में टाइलो वाले कंटेनर के दरवाजे बॉर्डर पर छिपाकर रखा गया था। ये नशा बरामद किया गया था और पकड़े गए आरोपियों के नाम है गुरुसेवक सिंह 25 वर्ष, गुरुविंदर सिंह 27 वर्ष और मनजीत सिंह 34 वर्ष। सांभाजी भिड़े द्वारा महिला पत्रकार पर बिंदी लगाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद एक बार फिर ये विवादों में आ गए हैं और ठाणे शहर के महिला पत्रकारों द्वारा जिला अधिकारी प्रशासन को निवेदन देकर इस मामले में सांभाजी भिड़े के वक्तव्य पर अपनी आपत्ति जताई है। पूरे मामले में महिला पत्रकार ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। यांच्या वयाचा आम्ही आदर करतो, मात्र त्यांनी 2 नोव्हेंबर रोजी एका महिला पत्रकाराला सांगितले की तू आधी टिकली लावून ये, तरच मी तुला माझं बाईट देईन किंवा तुझ्याशी बोलीन। तर हे त्यांचं वक्तव्य अतिशय निंदनीय आहे। सर्वप्रथम म्हणजे टिकली लावावी, कुंकू लावावं किंवा न लावावं हे प्रत्येक महिलेचा स्वतःचा वैयक्तिक अधिकार आहे। ते लावायचं की नाही लावायचं हे ती ठरवणार आहे, हे कुणी सांगण्याची तिला गरज नाही आहे। आणि टिकलीपेक्षा तिची अस्मिता टिकली पाहिजे, कपाळावरच्या टिकलीपेक्षा प्रत्येक महिलेची अस्मिता टिकली पाहिजे, तिचं स्त्रीत्व टिकलं पाहिजे, या मताची मी आहे। या मताचे आम्ही सर्व महिला पत्रकार आहोत। आम्ही जेव्हा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून जेव्हा आम्ही एखाद्या फील्डमध्ये आम्ही जेव्हा काम करतो तेव्हा आम्ही आमचा पेहराव किंवा आमची टिकली किंवा आमचं सौंदर्य हे सगळं आम्ही बाजूला ठेवून आम्ही आमचं काम करत असतो। आमच्या कामामध्ये फक्त आमचं कर्तृत्व हेच आमचं बघितलं गेलं पाहिजे, याशिवाय काही ग्राह्य धरलं नाही गेलं पाहिजे। त्यामुळे मी संभाजी भिडे यांचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करत आहे।